वो सुहानी हवा भी कितना लुभाती होगी, वो सुहानी हवा भी कितना लुभाती होगी, इस मिट्टी की खुशबू जो तुझ तक ले जाती होगी। तू गया छोड़ जो अपनी जमी को, तू गया छोड़ जो अपनी जमी को, भूले बिसरे ही कभी घर की याद तो आती होगी। हाँ हम अपनी तड़पन का संसार सजाए बैठे हैं, हाँ हम अपनी तड़पन का संसार सजाए बैठे हैं, मन में जो भाव पनपे थे उनका बाजार लगाए बैठे हैं। हाँ हम अपनी तड़पन का संसार सजाए बैठे हैं, मन में जो भाव पनपे थे उनका बाजार लगाए बैठे हैं। कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, तुम आना अब फुर्सत ही लेकर, कोई जल्दी नहीं है, तुम आना अब फुर्सत ही लेकर, हम अपनी विरह का द्वार स्वागत में तुम्हारे सजाए बैठे हैं, हम अपनी विरह का द्वार स्वागत में तुम्हारे सजाए बैठे हैं। मैं कैसे पुकारूं तुमको अब, ये वो सिचुएशन होती है जब बॉर्डर पे लड़ाई चल रही होती है या फिर किसी वजह से उनको कुछ महीनों के लिए अलग हो जाना पड़ता है, तो उस केस में मैं कैसे पुकारूं तुमको अब, मैं कैसे पुकारूं तुमको अब, जब ये देश तुम्हें है पुकार रहा, अपनी तो छोड़ो अब, जब हर घर का बच्चा तुम तेरी राह निहार रहा। मैं कैसे पुकारूं तुमको अब, जब ये देश तुम्हें है पुकार रहा, अपनी तो छोड़ो अब, जब इस देश का बच्चा बच्चा तेरी राह निहार रहा। तुम रक्षक हो उनके, तुम रक्षक हो उनके, ऐसा सब मुझसे कहते हैं, तुम रक्षक हो उनके, ऐसा सब मुझसे कहते हैं, इसीलिए तड़पन के आंसू हम हंस-हंस करके पीते रहते हैं, इसीलिए तड़पन के ये आंसू हम हंस-हंस के पीते रहते हैं। मैं तो रह लूंगी, मैं तो रह लूंगी, तुम उनके घर के दीप जला आना, मेरी मानो तो अब शत्रु को मार गिराकर ही आना, मेरी मानो तो अब शत्रु को मार गिराकर ही आना, तुम आना अब फुर्सत ही लेकर। अब उसके भी कुछ अरमान होंगे, तो उन अरमानों को वो किस तरह से व्यक्त करती है। अरमानों की एक खोली है, अरमानों की एक खोली है, ख्वाबों की इसमें खिड़की है, अरमानों की एक खोली है, ख्वाबों की इसमें खिड़की है, देख तुम्हें फिर थम जाएगी विरह की ज्वाला जो भड़की है, कि जब तुम आओगे तो तुम्हें देखकर जो मन में जो पीड़ा है वो चली जाएगी। तो अरमानों की एक खोली है, ख्वाबों की इसमें खिड़की है, देख तुम्हें फिर थम जाएगी विरह की ज्वाला जो भड़की है। बस कुछ प्यार के पल तुम ले आना, बस कुछ प्यार के पल तुम ले आना, हम वक्त सजोए बैठे हैं, तुम आना अब फुर्सत ही लेकर, हम अपनी विरह का द्वार स्वागत में तुम्हारे सजाए बैठे हैं। शुक्रिया। तो मैं दूसरी नज़्म पेश करना चाहूँगी, जिसका शीर्षक है हिंद मेरा आज़ाद है। तो इस थीम के साथ ही एक्चुअली लोगों ने आज़ादी तो बहुत मनाई, जश्न बहुत मनाया, तो मेरे लिए ये है कि आजकल कास्ट को लेकर के बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कोई भी मुद्दा उठता है तो उसमें ये मरा या वो मरा, वो नहीं देखा जाता, सीधे देखा जाता है हिंदू था या मुस्लिम था, जगह जगह को बांट दिया गया है कास्ट के बेस पे। तो मैंने एक्चुअली मैं वही चाहती हूँ, जब तक ये चीज़ फ्री नहीं होगी इंडिया आज़ाद नहीं होगा। तो कल में और अब में, कल में और अब में, बस यही बात एक खास है। यहाँ एक वर्ड आएगा पास, यहाँ पास का जो पास और साथ में आप अंतर समझिए, जब साथ होते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, पास होते हैं उसका मतलब क्या। तो कल में और अब में बस यही बात एक खास है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बस अपने पास हैं, साथ नहीं है। कल में और अब में बस यही बात एक खास है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बस अपने पास हैं, कहने को तो आज़ाद हिंद का नारा सबके पास है, कहने को तो आज़ाद हिंद का नारा सबके पास है, फिर भी आते जाते कितनी नस्लें मजहब के नारों से बर्बाद हैं, फिर भी आते जाते कितनी नस्लें मजहब के नारों से बर्बाद हैं। कल भी नारी से जन्मी थी दुनिया, कल भी नारी से जन्मी थी दुनिया, अब भी नारी से आबाद है, फिर भी मोल नहीं समझे ये कैसा आदमजात है, फिर भी मोल नहीं समझे ये कैसा आदमजात है। बर्बरता का फैला आंचल, बर्बरता का फैला आंचल, कैसा ये अभिशाप है, फिर भी तुम कहते हो कि हिंद मेरा आज़ाद है, फिर भी तुम कहते हो कि हिंद मेरा आज़ाद है। बदली है धरती, बदली है धरती और बदला ये आकाश है, बदलो अब इंसानों ये इस समाज की आस है, बदलो अब इंसानों ये इस समाज की आस है। मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ, हिंदुस्तान का राग सुनाता हूँ, सब बड़े साथ में एक बस यही राग दोहराता हूँ, सब बड़े साथ में एक बस यही राग दोहराता हूँ। इंसान है मजहब से ऊपर,
इंसान है मजहब से ऊपर, जिस दिन ये संग में बिगुल बजाएगा, सच कहता हूँ तभी ये हिंद मेरा महान कहलाएगा, सच कहता हूँ तभी ये हिंद मेरा महान कहलाएगा। लहराएगा कल जब हर इंसान बदलेगा, उसका आज है तभी हम दिल से कह पाएंगे कि हिंद मेरा आजाद है, हिंद मेरा आजाद है। थैंक यू।